ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। I in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. वो जगह जिसने जसवंत सिंह को जसवंत सिंह राठौर बनाया। समंदर के किनारे कभी खजाने नहीं आते, होंठों पे हंसी के फसाने नहीं आते, उड़ने दो परिंदों को शोक हवाओं में, फिर लौट के कॉलेज के जमाने नहीं आते। लेकिन जमाना हमारा आ गया है, 23 साल बाद, 20 साल बाद कह सकते हैं, जिस कॉलेज से निकले थे आज वहीं जा रहे हैं लोहड़ी फंक्शन मनाने। और वहाँ पर एक टाइम था साइकिल पर गए थे एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट आज भी हैं, लेकिन आज सूट बूट डाल के चश्मा लगा के कलाकार बन के जा रहे हैं। तो थैंक यू गवर्नमेंट कॉलेज, और मेरे साथ हैरी राठौर, गुरप्रीत सिंह जी डाकू बने हुए हैं, ये अपना मुखड़ा थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, इंटरनेशनल बैड प्लेयर सैम भट्टी साहब, तो एक बंदा हमारा मिस्टर राजफतेह सिंह वो वहाँ वेट कर रहा है। तो आज बड़ी दिल में हलचल है, आज कॉलेज आ रहे हैं तो वहाँ मस्ती करेंगे, वहाँ के कुछ लम्हे, पुराने प्रोफेसर, और आज की पनीरी साहिद साहब का ऑडिटोरियम है जहाँ से शुरुआत की थी, उनकी एक लाइन है, ए नई नस्ल तुझको मेरा सलाम, उनको सलाम करने और सलाम लेने वहाँ जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। उतने समझा आया सानू आ दे। तो ये है जी मॉल रोड। मॉल रोड इसे क्यों कहते हैं आज तक नहीं पता चला, क्योंकि मॉल रोड हम गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है उसी को बोलते थे, जो वहाँ स्टूडेंट हैं ये बात सुन के हंसेंगे अभी क्यों उसे मॉल रोड बोलते हैं। तो खैर, हम तो कलाकार थे और कलाकार ही हैं, वैसी ही हमारी सोच है, वैसी ही हमारी ज़िंदगी, लेकिन इस जगह से, इस सड़क से बहुत प्यार है, क्योंकि इस सड़क ने, इन दीवारों ने, उस जो वो वक्त बीता है 20 साल पुराना, उसने बहुत कुछ दिया है और ज़िंदगी भर दे रहा है। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की सड़क, जहाँ कभी ये नहीं पता था कि ज़िंदगी में करना क्या है, आज जब पता चला है तो फिर उसे सलाम करने आए हैं, तो वेरी एक्साइटेड। तो ये मज़ा आ रहा है, लुधियाना की खूबसूरती है, ट्रैफिक अच्छा लगता है, शायद बाहर से आदमी आए उसको अच्छा ना लगे, लेकिन हमारा तो ये ज़िंदगी से जुड़ा हुआ वो स्वाद है जिसके बिना हम अधूरे से हैं। शुरू किया गाना मैं ध्यान नहीं रहा बड़ा नहीं कोई नहीं कोई होर सुनाओ किदा परिवार ठीक है ठीक है वधिया गल कर तो अभी उन्होंने पंजाबी में कहा कि मेन स्टेज पर भेज दें गल कर, तो ये होता है प्यार, ये कमाई है। हो सकता है कलाकारों को आम सुनने में मिलती हो, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ, एक टाइम पे इसी गेट पर साइकिल लेके आया करते थे और साइकिल स्टैंड पर लगाकर सीधा कैंटीन में जाते थे, तो वो दौर याद आ गया। 20 साल कैसे बीत के पता ही नहीं चला, और आज जब वही पाजी ने इतने प्यार से, जोश से पहचाना, तो बहुत अच्छा लगा। तो देखो, जो मेन गेट पर या मेन स्टेज पर सीधा जाने का वो क्या मज़ा, जो चल के जाने का मज़ा है, इन्हीं रास्तों से गुज़र के कभी कॉलेज में एंट्री किया करते थे। वैसे ये जो रास्ता है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये प्रोफेसर्स का है, क्योंकि पार्किंग से डायरेक्ट ये रास्ता क्लासेस की तरफ जाता है, तो हम स्टूडेंट्स का अलग रास्ता है। तो आज
प्रोफेसर और टीचर्स के रास्ते पर जाकर एक अलग ही मज़ा आ रहा है। और शुक्रिया अदा कर रहा हूँ भगवान का कि इस लायक हमें बनाया, कि उसी कॉलेज में यहाँ से सब सीखा, जहाँ मनन किया कि ज़िंदगी में क्या करना है, आज वहाँ गेस्ट बनकर, परफॉर्मर बनकर, एक स्पेशल पर्सन बनकर आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब प्रोफेसर साहब आ गए स्वागत के लिए। बहुत साल पहले जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे एक हिंदी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वशिष्ठ साहब, जो इस दुनिया में नहीं है, एक तरह से वो मेरे पहले उस्ताद भी हैं। उन्होंने मुझे हिस्ट्रॉनिक सिखाई थी। तो एक बार वो कॉलेज के एक छोटे से फंक्शन में अपने दोस्त अमरीक गिल साहब, जो डायलॉग राइटर हैं, माचिस फिल्म के, कई फिल्मों में एक्ट भी किया है उन्होंने, तो उनको लेकर आए थे। तो उनको देख कर हम बड़े इम्प्रेस हुए कि यार कैसे एक फिल्मी बंदा है ना कॉलेज में आया है। और सब बच्चे उससे ऑटोग्राफ ले रहे थे, मैंने भी उनसे ऑटोग्राफ लिए थे। तो आज खुद ही उस जगह पर भगवान ने मुझे पहुंचाया, जब प्रोफेसर साहब जो यहाँ पढ़ाते हैं, गुरु लोग मेरा स्वागत करने आए हैं, मुझे लेके जा रहे हैं। इनमें से परमजीत पाजी हैं और साथ में दूसरे परमजीत पाजी हैं, दोनों राहो रोड, मेरे ही एरिया, इसी रोड पर रहने वाले हैं। तो ये अलग अनुभव है, जो कहीं पहुंचते हैं ज़िंदगी में मेहनत और लगन से, और बनकर कुछ जब कॉलेज में जाते हैं तो जो महसूस होता है, वाह ये सामने डेयर टू बी ट्रू साहिर ऑडिटोरियम, यहाँ ज़िंदगी में पहली स्टेज करी थी मैंने, और तालियां, वो कड़कड़ाहट, वो एप्रिसिएशन, जिसकी वजह से आज इस लेवल पर, इस जगह पर पहुंच पाए हैं कि खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कॉलेज में। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, अपने कई पुराने दोस्तों को भी मिस कर रहा हूं। ढोल बज रहा है इससे बड़ा ढोल मेरे अंदर बज रहा है, वाइस प्रिंसिपल मैम। तो ये वो एरिया है जहां कभी कभी फीस माफ़ी के लिए या अपनी ट्रॉफी जीत कर प्रिंसिपल साहब को दिखाने आते थे, उसके अलावा यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज देखिए दरवाज़े खुल रहे हैं हमारे लिए, गेट खुल रहे हैं उन ऑफिसर्स के, और ये सभी महानुभवों जिन्होंने कॉलेज के लिए कुछ किया है, नाम चमकाया, उनकी फ़ोटो लगी है। तो भगवान ऐसे ही हिम्मत रखे, हिम्मत दे हमें हमारे अंदर, तो हम भी इस काबिल बने। तो ये देखिए जी, स्पेशल चीज़ आपको दिखाते हैं, जिसकी वजह से कला की दुनिया में गवर्नमेंट कॉलेज का नाम है। प्रोफेसर साहब ने दिखाया कि इनको पहचानो जरा, ये हैं जी साहिर लुधियानवी साहब।